हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग में एकदम व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेरा टेरेस गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू, जो कि मैंने आपसे बहुत दिनों से शेयर नहीं किया था। तो आज हम कम्प्लीटली ओवरव्यू देखेंगे, हर एक प्लांट से मुलाकात करेंगे और देखेंगे वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, ये पोर्चुला का, और इसके अंदर देखिए ये डबल शेडेड, मतलब दो शेडेड वाला है। देखिए, मैजेंडा पिंक प्लस बेबी पिंक दोनों आ गए हैं, फर्स्ट टाइम आया मेरे पास। बाकी के तो नॉर्मल कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो। इधर है फ्रेंड्स रेन लिली और ये टैंगल हार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, जो बॉटल गार्ड रहता है, जिसे हम लौकी कहते हैं, उसके पौधे हैं, मैंने सीड से उनको उगाया है। ये देखिए राजमा, और इधर है तोरई, इसके लिए मैंने एक सपोर्ट दे दिया है इधर लकड़ी का। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि समर में पूरा अलग अलग था, और अभी मैंने फिर से पहले जैसे कर दिया है सबको। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी पॉर्च लगा है। ये वाला है देसी रोज का प्लांट, जो कि समर में बिल्कुल भी चला चुका था, लेकिन बारिश के कमाल से देखिए नए नए पत्तों की वापस स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए, और ये है छोटे रोज की वैरायटी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चंपा की जो प्लूमेरिया रहता है उसकी कटिंग्स लगाई थी, और नए नए लीव्स भी आ चुके हैं। देखिए, आ भी बहुत आसान है इनको लगाना, लगेगा ज़रूर। ये मदर ऑफ थाउजेंड्स का प्लांट। इधर देखिए दो एलोवेरा है, और रियो प्लस बीच में लालसा है। ये देखिए एम्ब्रेस लिली, फिलहाल तो फ्लावरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये अप्रैल का समर सीजन का फ्लावर है। ये अभी देखिए, ये कड़ी पत्ता का प्लांट है, और इधर देखिए हाइबिस्कस, जैस्मिन, और देखिए फ्रेंड्स ये है, देखिए नया फ्लावर मेरे गार्डन में, इसका नाम है कैना इंडिका, या फिर इसको स्पॉट फ्लावर बोल के भी बोलते हैं। कितना प्यारा है देखिए इसका फ्लावर, अलग ही शेप का है देखिए। और दो रेन लिली, ये मैंने सीड्स उगाया है, और देखिए एक कैलांचो एक ही बचा है मेरे पास, दो एलोवेरा, ये पेरीविंकल, उसके साथ कुछ वंडरिंग जू भी है उसके साथ, बेबी सन रोज, क्रोटॉन, अलग वैरायटी का क्रोटॉन है, अजवाइन, पोर्चुला का, ये सारे रेन लिली है। ये देखिए फ्रेंड्स, कोलियस को मैंने इतनी मुश्किल से बचाया है, अभी भी सूख रहे हैं, लेकिन अच्छी बारिश आने पर बहुत अच्छे से वापस लश ग्रीन हो जाएंगे। ये देखिए, अभी स्पाइडर प्लांट भी कुछ ठीक नहीं है समर की वजह से, जैसे जैसे धूप कम होगा ये प्लांट भी वापस अपने अच्छे ग्रोथ में आ जाएंगे। जेड देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए स्नेक प्लांट, मैंने जितने भी लगाए थे लीफ, उसके अंदर ये एक नया प्लांट है। देखिए एक ही नया प्लांट है, और देखिए फ्रेंड्स हमारा स्नेक प्लांट का कॉर्नर फिर से तैयार है, अपने प्योर ऑक्सीजन से भरपूर। उसके बीच है ये लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं इस सक्यूलेंट को। देखिए ये है हमारा स्नेक प्लांट का कॉर्नर, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर है हमारे तीन पर्पल हार्ट, तीन है फ्रेंड, चार, देखिए उधर भी एक छोटा है। इधर है हमारे स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम, ये भी ऑक्सीजन प्योर प्लांट है फ्रेंड्स, इनको भी ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए ब्रह्म कमल, और जो 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 मैं ऐसे जेड के ऐसे टोपियारी बनाने के लिए जो कटिंग करता हूँ ना फ्रेंड्स, उसके जो भी कटिंग्स बच जाते हैं देखिए, वो भी कितने बड़े हो गए, इसमें ही लगा देता हूँ, ताकि क्या है जेड की कुछ ज़्यादा ही वैरायटी ऐसे प्लांट्स हो मेरे पास। ये देखिए फ्रेंड्स टच मी नॉट प्लांट, टच करते ही इसे बंद हो जाते हैं देखिए। और फ्रेंड्स इधर देखिए मॉन्स्टेरा, जो कि नए नए पत्ते से मेरे को बहुत खुश कर रहा है। देखिए देखिए इसके अंदर एडवेंचरस रूट्स भी आ रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स लकी बैम्बू, इधर क्लोरोफाइटम। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास रोज पानी चेंज करना अगर आपसे पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, जो भी कोकोनट के फाइबर रहते हैं उनके अंदर ही सिर्फ कोकोनट फाइबर प्लस
कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी, ये परफेक्ट मिक्सचर है इनको सॉइल में उगाने के लिए। देखिए कितने अच्छे कर रहे हैं, आप भी ये आइडिया ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। और इधर है हमारे पास लेमन ग्रास, ये देखिए सिल्वर स्क्विल, ये थोड़ा सा भी ठीक नहीं है लेकिन जल्दी जैसे जैसे बारिश आएगा फिर से अच्छे ग्रीन होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स वंडरिंग जू, इधर भी मैंने क्या किया था, ये सारे प्लांट इसके ही थे, मैंने इससे निकाल के बड़ों में ट्रांसफ़र कर दिया था कि और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। ड्रेसिना सिंगोनियम पिंक वैरायटी वाला, इधर भी ड्रेसिना है। ये देखिए पेडियोलेंथस जो कि डेविल्स बैकबोन भी बोलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मिर्ची के कुछ सीड्स डाले थे और कोरिएंडर ऐसे आ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स आपको कुछ भी शेयर करना हो या फिर कुछ भी कमेंट लिखना हो तो आप ज़रूर लिखिएगा, मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।